हरे कृष्णा राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कि लड्डू गोपाल जी को गर्मी में कैसा सेवा देना चाहिए। जो भी भक्तजन लड्डू गोपाल जी से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा मौसम के अनुसार भगवान जी की सेवा करते हैं। मन की भाव उनका ऐसा होता है। भाव की बात करेंगे तो कई लोग ऐसा लिखते हैं कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाव है तो सब कुछ है, मन की सेवा ही सब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी हम माना नहीं कर सकते कि जहाँ हमारा भाव है वहाँ पे हम सिर्फ मन की सेवा भी नहीं कर पाते हैं। यानी कि हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहे और मनी में ठाकुर जी को बोल दिया कि आप भी खाना खा लेना। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो तब होता है जब हमारे पास भी खाना नहीं है और फिर भी ठाकुर जी हमारे दिल पे है। तब हम बोलते हैं, ठाकुर जी ये मैं मन में आपको भोग लगा रही हूँ, आम का भोग लगा रही हूँ ठाकुर जी खा लो, दही का भोग लगा रही हूँ ठाकुर जी खा लो। लेकिन जब हमारे पास वो सारी चीज़ें होती है तब क्या सिर्फ मन में बता देना ठीक हो? ये तो अपनी अपनी भाव होता है। चलिए कोई नहीं, अब शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो गर्मी के समय ठाकुर जी को एकदम सुबह सुबह उठानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जी को उठाना सर्वोत्तम माना जाता है। आगे अपने अपने समय और जीवन शैली के हिसाब से आप उठा सकते हैं, लेकिन 6:30 के बाद उठाना ठीक नहीं, इतने टाइम तक तो धूप आ जाता है। ठाकुर जी को सबसे पहले उठा के आपको दूध या दही की भोग लगाना चाहिए। गर्मी के समय है, अगर आप दूध दही की भोग नहीं लगा पाते हैं किसी वजह से, तो माखन मिश्री की भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद ठाकुर जी को स्नान करवाना चाहिए। स्नान के जो जल है, जल में आप गंगा जल मिक्स कर सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल से स्नान करने से बहुत अच्छा खुशबू आती है। थोड़ी सी इत्र डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं, और अपने जैसे आपका भाव है ऐसे जल को तैयार करके बहुत ही ठंडे ठंडे अच्छे अच्छे पानी से ठाकुर जी को स्नान करवाना चाहिए। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं होता है कि फ्रिज से निकला हुआ बर्फीला पानी। ठंडे का मतलब ये होता है जो गर्म नहीं है, जो इससे स्नान करने से बच्चे खुश होते हैं, आराम लगता है, ऐसे पानी। ठाकुर जी को स्नान करने के बाद, बैसाख की महीना है, चंदन की सेवा जरूर देना चाहिए। अगर पूरे चंदन नहीं लगा सकते पूरे बॉडी में तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कपाल में लगा दीजिए, फेस में या हाथों पे लगा दीजिए, या तो फिर चंदन का एक टीका जरूर लगाए। पूरे बैसाख के महीने में ठाकुर जी को चंदन का सेवा दिया जाता है, इसे चंदन यात्रा भी कहते हैं। चंदन का सेवा देने से ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं। गर्मी में ठाकुर जी को बहुत तकलीफ होती है, इस समय चंदन भगवान को ठंडक पहुँचाती है, इसीलिए चंदन जरूर लगाना। आप चाहे तो इस समय चंदन की खुशबू वाली इत्र भी व्यवहार कर सकते हैं। चंदन के इत्र का जो खुशबू होती है पूरे घर में महकते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। ताज़ा ताज़ा सुगंधी फूल से आप ठाकुर जी की श्रृंगार कर सकते हैं। इस समय बहुत लोग ठाकुर जी को खाली इनर्स पहना के, निकर पहना के रख देते हैं और बाकी चंदन लगाते हैं या फूलों से सजाते हैं। एक तो फूल की ठंडक रहती है, दूसरी जो है फूल की खूबसूरत सुगंध आती है, इससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके बाद हमें ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें, इस समय बहुत ही हेवी ज्वेलरी, हेवी कपड़े ये सब अवॉइड करना चाहिए। कॉटन के कपड़े पहनाए, हल्का कपड़े पहनाए, जैसा हम खुद पहन के खुश होते हैं ऐसे कपड़े पहनाए। इस समय आप चाहे तो ठाकुर जी के लिए अलग से बाल नहीं भी लगा सकते हैं, बाल भी बच्चों को बहुत गर्मी करते हैं, इसीलिए आप अगर चाहे तो इस समय बाल ना लगाएं। पगड़ी के जगह आप सिर खुला भी रख सकते हैं या एक मोर पंख लगा के रख सकते हैं, इससे ठाकुर जी की सिर भी हल्का रहेगा और ठंडा रहेगा। अब प्रश्न आते हैं कि भोग में क्या क्या लगाया जाएगा। गर्मी के समय तो सबसे अच्छा रहता है फलों का भोग लगाना। वैसे तो 12 महीने फलों का भोग अच्छा रहता है, खास करके उनका जिनका सात्विक आहार नहीं बनती है। और गर्मी के समय आप ककड़ी का भोग लगाए, आम का भोग लगाए,
जो भी ऋतु फल हो रहा है उनका भोग लगाएं। दूध दही का भोग लगा सकते हैं, ठंडे ठंडे दही लस्सी मीठा लस्सी का भोग लगा सकते हैं। घर में बने किसी भी तरह का पकवान जो कि सात्विक तरीके से बना है वो ठाकुर जी को भोग जरूर लगाए। इस समय हेवी खाना थोड़ा अवॉइड करें। आप चाहे तो दाल चावल का भी दोपहर का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाना क्या लगाना है ये आपके घर में गर्मियों में जो भी बनता है, आम का शरबत बनता है, कोशिश करें गर्मियों से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, ठंडा पानी, शरबत, नींबू का शरबत, आम का शरबत इत्यादि भोग लगाने से ठाकुर जी को अच्छा लगेगा। शाम को भी ठाकुर जी को हल्का कुछ नाश्ता दीजिए जिससे ठाकुर जी बड़ा खुश होते हैं। शाम को नाश्ता के बाद आप संध्या आरती जरूर करना। भगवान को सामने एक घी का दीपक जलाना बहुत अच्छा रहता है। अगर डेली नहीं जला पाते हैं तो कम से कम थर्सडे थर्सडे यानी कि हर गुरुवार को एक घी का दीपक ठाकुर जी के सामने जरूर प्रज्वलित करना। ठाकुर जी आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और इसके बाद ठाकुर जी को रात की भोग लगाना चाहिए। बहुत लोग रात को दूध पिला के ठाकुर जी को शयन देते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं और बाल स्वरूप में ही पूजे जाते हैं। बहुत लोग रात में घर पर जो डिनर बनता है उन्हीं का भोग लगाता है यानी कि रोटी सब्जी का भोग लगाते हैं। अब बहुत क्वेश्चन ये आते हैं कि ये जो भोग हम लगाते हैं इनका हम क्या करें। ये भोग हमेशा हमें प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए इस समय आपको मिट्टी के हंडी में पानी भरकर रखना चाहिए। ये दिन भर ठाकुर जी के सामने रहेगा और अगले दिन वो पानी आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर ले और नया पानी भर के ठाकुर जी के सामने रखें। ठाकुर जी को रात को अगर मालिश करके सुलाते हैं तो आप इत्र के मालिश करें। गर्मी में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। सोने के समय हल्के पोशाक कॉटन के पोशाक पहना के सुलाएं। अगर आपके घर में मच्छर वगैरह का ज़्यादा मुश्किल है प्रॉब्लम है तो फिर आप मच्छरदानी का यूज़ जरूर करें। ठाकुर जी की ऐसा सेवा करें जो आपको दिल को छू जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठाकुर जी के आशीर्वाद से सभी लोग कुशल मंगल रहे। कान्हा जी की कहानियाँ सुनने के लिए कान्हा की कहानियाँ मेरे नए चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।